काल का अनावृत चक्र और उसके अनेक पलों का हिंदुस्तान साक्षी रहा है। साक्षी एक ऐसे पल का, एक ऐसे कालखंड का जो सदियों तक का प्रकाश आलोकित कर गया। आज भी उसी प्रकाश की चमक जीवित है। ये कथा उसी कालखंड की है। समय सन 1527 मार्च, खानवा नामक स्थान पर विदेशी आक्रांता बाबर और मेवाड़ के यशस्वी महाराणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। एक ऐसा युद्ध जिसमें हार तो राणा सांगा की बतलाई जाती है, लेकिन वो हार नहीं थी। वो इतिहास की एक ऐसी करवट थी जहां से सत्य एवं आसुरी शक्तियों के बीच एक संघर्ष की शुरुआत हुई। संघर्ष बढ़ता गया, समय बीतता गया। बाबर के पौत्र अकबर ने भारत में अपना विजय अभियान प्रारंभ किया, लेकिन भारत के सार्वभौमिक सम्राट माने जाने के लिए मेवाड़ को विजित करना आवश्यक था। उस मेवाड़ को जिसने सन 1200 से 1556 तक वास्तव में किसी भी विदेशी सुल्तान की अधीनता स्वीकार नहीं की। मुगलों का प्रभाव एवं साम्राज्य बढ़ता जा रहा था। यह एक ऐसा कालखंड था जब चारों ओर अमावस्या अंधेरा था, जहां न धर्म सुरक्षित था और न संस्कृति। मंदिरों के भग्नावेश, छत विशत देवताओं की मूर्तियां, चारों ओर अधर्म का साम्राज्य। संस्कृति के रक्षक ही आक्रांताओं के भय से भक्षक बन रहे थे। अरुणोदय तो होना ही था और हुआ भी। कुंभलगढ़ के महलों में एक ऐसे ही सूर्य का उदय हुआ। महाराणा उदय सिंह को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जन कुंडली बनी। आधा नक्षत्र में जन्म होने से शुभ नक्षत्र पालन एवं प्रशिक्षण होने लगा। समय निरंतर चलता रहा और बालक प्रताप 11 वर्ष का हुआ। नहीं ढूंढ सकते प्रताप, तुम कहीं भी रहो, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। बहादुर हो प्रताप। पर ये तो बताओ प्रताप, ये मुगल हम पर इतने अत्याचार करते हैं, क्या हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते? हाँ हाँ प्रताप, क्या हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते? हाँ हाँ प्रताप, क्या हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते? मैं करूँगा मुकाबला, मुझे थोड़ा बड़ा होने दो, फिर देखना मैं इन मुगलों को यहाँ से कैसे भगा। युद्ध में कूद पड़े। मातृभूमि की पुत्रियों ने जौहर की लपटों में स्वयं को होम किया और महाराणा उदय सिंह अपने सरदारों की सलाह से चित्तौड़गढ़ छोड़कर कुंभलगढ़ होते हुए गोगुंदा आ गए। चित्तौड़ दुर्ग पर मुगल बादशाह अकबर का अधिकार हो गया। चित्तौड़ की हार का महाराणा उदय सिंह को गहरा धक्का लगा। वे बीमार रहने लगे। 25 फरवरी 1572 का वो दिन महाराणा ने अपनी देह त्याग दी कार्य घोषित किया। सामंतों ने इस निर्णय का विरोध किया और जगमाल को मेवाड़ का महाराणा मानने से इनकार किया। अपने पिता के वचनों का सम्मान पूर्वक पालन हो, इसलिए प्रताप ने राज्य छोड़कर जाने का निर्णय किया। राज्य छोड़कर जाने के प्रताप के निर्णय ने मेवाड़ को विचलित कर दिया। पूरे मेवाड़ में हाहाकार मच गया। प्रताप के मामा मानसिंह और रावत कृष्णदास तक भी ये जनभावनाएं पहुंची और उन्होंने एक अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए प्रताप को मेवाड़ का महाराणा बनाने की घोषणा की। हिंदुपति, पृथ्वी का भार दूर करने वाले, बादशाहों को नष्ट करने वाले महाराणा हमें छोड़कर चले गए। अब मेवाड़ के भविष्य का पता नहीं क्या होगा। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी कौन होगा? क्या आप नहीं जानते, महाराणा ने जगमाल सिंह को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया है। जगमाल का उत्तराधिकारी? जगमाल का उत्तराधिकारी बनना तो सरासर अन्याय है।
आप ही कुछ कीजिए। आप मेवाड़ के वरिष्ठ सामंत हैं और आपके पिताजी ने महाराणा उदय सिंह को राजपूतों में मान्यता दिलाने के लिए, मेवाड़ का सम्मान बचाने के लिए अपनी पुत्री का विवाह स्वर्गीय महाराणा से करवाया था। और नियम से आपका भांजा प्रताप ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी है। आप सभी सही कह रहे हैं, राज्य की परंपरा का सम्मान करना मेरा दायित्व है। लेकिन साथियों, राव चूंडा के वंशज सलुम्बर के रावत कृष्णदास भी यहाँ उपस्थित हैं, तथा उत्तराधिकारी का कार्य इनकी सम्मति से ही होना चाहिए। चित्तौड़ छूट गया, मेवाड़ उजड़ रहा है और अब यह घर की लड़ाई भी उठी तो इस राज्य की बर्बादी में कोई संदेह नहीं। मेवाड़ के लिए यह एक कठिन समय है और यहाँ उपस्थित हम सभी क्षत्रियों के लिए परीक्षा की घड़ी। यदि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो हमारी कर्तव्य विमूढ़ता के लिए आने वाली कई पीढ़ियां हमें क्षमा नहीं करेगी। मेवाड़ की परंपरा रही है, यहाँ के पाट का स्वामी महाराणा अर्थात राज्य प्रबंधन का अधिकारी राव चूंडा का वंशज माना जाता है। इसी परंपरा के चलते चूंडा वंशज एवं सभी सामंत दरबारियों का यही सर्वसम्मत निर्णय है कि महाराणा उदय सिंह के बड़े पुत्र प्रताप सिंह मेवाड़ की राजगद्दी को सुशोभित करेंगे। तो ठीक है, हम सभी का भी यही निर्णय है कि महाराणा प्रताप ही राजगद्दी को सुशोभित करेंगे। लगता है प्रताप आ रहे हैं। आओ प्रताप, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? प्रणाम मामा श्री। कहिए प्रताप, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। मामा श्री, स्वर्गीय महाराज की इच्छा से तो आप अवगत हुए ही होंगे और उनके आदेश की पालना ठीक से हो इसके लिए मेरा पलायन ही समय की आवश्यकता है, यही चित्तौड़ के हित में है। लेकिन इस राजगद्दी के वास्तविक अधिकारी तो आप हैं। नहीं सरदार, हम अपने अधिकार के लिए अपनी मातृभूमि को अपने बंधुओं के रक्त से लज्जित नहीं करना चाहते और मेवाड़ की वर्तमान संकट की परिस्थिति जैसी है उसमें कोई आपसी फूट की स्थिति बने ऐसी शत्रु की भी कामना है, ऐसा हम कदापि नहीं चाहते। अतः हमारे लिए यही उचित होगा कि हम कहीं अन्यत्र वास करें, इसी में मेवाड़ राजवंश की भलाई है। हमें जाने दे मामा श्री। रुको प्रताप, मेवाड़ राजवंश की भलाई किसमें है? इसका निर्णय तो हम ले चुके हैं प्रताप। हम कुछ समझे नहीं रावत कृष्णदास जी। इसमें समझने की कोई बात है नहीं महाराणा प्रताप सिंह। महाराणा? हाँ महाराणा प्रताप, वही प्रताप जो जीवन पर्यंत महाराणा उदय सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, उनकी स्वाधीनता को अक्षुण रखा, वही प्रताप जो महाराणा उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र हैं, उनके पाटवी हैं। हम उसी प्रताप की बात कर रहे हैं जिसने अपने पिता के शासनकाल में सोम नदी के किनारे युद्ध करके भागड़ के बड़े भूभाग को मेवाड़ के अधीन कर लिया था, जिसने सलुम्बर के ठिकानेदारों को हराकर 56 का क्षेत्र जीता तथा बाली को जीतकर गौड़वार प्रदेश पर विजय प्राप्त की थी। हाँ प्रताप, देर न करें। लेकिन आदि प्रश्नों का समय नहीं प्रताप। परीक्षा की इस घड़ी में भगवान एकलिंग हमारी सहायता करे, मेवाड़ का साम्राज्य अपने वास्तविक उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा में है। हम आपका राज्य अभिषेक अभी और यहीं गोगुंदा में ही करेंगे। प्रताप को मेवाड़ का महाराणा बनाए जाने के विरोध में जगमाल सिंह मुगलों से जा मिले और प्रताप ने मेवाड़ की सार संभाल शुरू की। प्रताप जब मेवाड़ की गद्दी पर बैठे तब चित्तौड़ के पतन को केवल 4 वर्ष ही बीते थे। चित्तौड़ के शोक ने महाराणा को अत्यंत उद्वेलित कर रखा था। वे जानते थे कि अकबर एक आक्रमणकारी है, मेवाड़ के लिए ही नहीं सारे देश के लिए एक आक्रमणकारी का प्रतिकार करना आवश्यक था। यही चिंता प्रताप को मन ही मन खाए जा रही थी। किसी विशेष चिंता में पड़े, क्या मैं इसका कारण पूछने का साहस करूं? आपका अनुमान सत्य है सरदार, हम चित्तौड़ का स्मरण कर रहे थे। बीती हुई घटनाओं का स्मरण कर मानसिक अशांति के अतिरिक्त क्या प्राप्त होना है? आप शांत चित्त होकर अपने समस्त राज्य कार्य संपन्न करें महाराणा सा। बीती हुई घटनाओं को भूल जाएं, शांत चित्त हो जाएं, राज कार्य संपन्न करें, तो आप चाहते हैं कि हमारी शिराओं में बहने वाली रक्त धार ठंडी हो जाए और इन यमनों को? नहीं महाराणा, मैं तो केवल यथार्थ तो केवल यही है कि इन यमनों से मातृभूमि को मुक्त करवाना है। क्या आप भूल गए उस चित्तौड़ के समर को? आप तो साक्षी रहे हैं, आपने हमने प्रजा ने भोगा है, क्या आपको स्मरण नहीं? कैसे भूल सकता,
उस भयंकर ज्वाला में 30,000 राजपूत भस्म हो गए। वीर सरदारों की सहस्त्र सहस्त्र स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर की ज्वाला में जीवन विसर्जन कर स्वर्ग में अपने प्रियजनों से जा मिली। अनेक अविवाहित छोटी छोटी बालिकाओं ने चलती हुई चिताग्नि में अपनी माताओं के अनुसरण धन को ग्रहण कर अपने आप को होम कर दी। क्षत्रिय जाति की कितनी बड़ी आहुति। एक ओर मुगलों की हर्षध्वनि हो रही थी तो दूसरी ओर देवी तुल्य वीरांगनाओं का जौहर। चित्तौड़ के टूटने पर अंदर घुसे मुगल सम्राट को आशा थी कि तुर्की से आए सिपाहियों के घर विधवा रमणियों से आबाद होंगे। ठहरो, कृष्णदास रावत, ठहरो। केवल इतने से उस मलेच्छ की प्यास नहीं बुझी। विजयी क्रूरता का प्रदर्शन करते हुए किले के भीतर और बाहर अधिकांश नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। बस कीजिए सरदार, बस कीजिए, हमारे धैर्य का और इम्तिहान मत लीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए। शांत हो जाइए महाराणा, मेवाड़ कुल की आशा के दीपक आपका प्रकाश चिरंतन हो। मैं वही तेल आपके अंदर भर रहा हूं। महाराणा प्रताप, आपको ही महाराणा सांगा का स्वप्न पूरा करना है। मेवाड़ का गौरव आपको ही लौटाना है, आपको ही लौटाना है, आपको ही लौटाना है, आपको ही लौटाना है। पूरा मेवाड़ महाराणा प्रताप के समुख आशाओं भरी नजरों से देख रहा था। विशाल मुगल शक्ति के समुख धन जन और भूमि में क्षीण छोटा सा मेवाड़, वो भी पहाड़ी इलाका। चुनौतियां अनेक थी। भाई शक्ति सिंह और जगमाल सिंह जैसे उनके भ्राता मुगल सेवा में चले गए थे। ये वो समय था जब मेवाड़ की जनता भारी कष्ट से गुजर रही थी। आवश्यकता थी उसमें आत्मविश्वास जगाने की, आवश्यकता थी उसमें एक नई प्रेरणा जगाने की। जनता, सेना और अपने सहायक सरदारों में स्वतंत्रता की ज्वाला में कमी न हो, अतः महाराणा प्रताप ने सभी सरदार सामंतों, मंत्रीगणों तथा प्रबुद्ध जनों की एक सभा आहूत की। यहां माताएं अपने नन्हे नन्हे बालकों को केसरिया बाना पहनाकर विदा करती है और गर्व से कहती है, बेटा प्राणों की आहुति दे देना पर पराजित होकर मत लौटना। यहां वीरांगनाएं अपने सजल नेत्रों से पति को यह कहकर रणक्षेत्र में भेजती है कि विजयी होकर लौटना, नहीं तो स्वर्ग में मैं आपके लिए प्रतीक्षा नहीं करूंगी। हम मेवाड़ के पुत्र हैं और अपने धर्म की रक्षा तथा मेवाड़ की स्वाधीनता हेतु कटिबद्ध है। मेवाड़ का एक एक पुत्र जब तक जीवित है तब तक मेवाड़ का कोई भी बल भंका नहीं कर सकेगा। हम पुनः मुगलों को अपनी चमकती हुई तलवार का पानी दिखाएंगे। मेवाड़ का बच्चा बच्चा अपनी माता के उद्धार के लिए बलि वेदी पर चढ़ जाने के लिए आतुर है, अपना सर्वस्व अर्पण कर देंगे किंतु मुगलों की अधीनता कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। कदापि स्वीकार नहीं करेंगे, कदापि स्वीकार नहीं करेंगे, कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। काल को भी प्राणों की आहुति देकर परास्त करने वाले मेरे वीरों, आप सभी के इसी विश्वास के कारण ही मेवाड़ आज गर्व से अपना सीना ताने खड़ा है। हमें आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। चित्तौड़ के घाव अभी तक भरे नहीं हैं, तथा उस वक्त तक भरे रहेंगे जब तक शत्रु से अपना प्रतिशोध न ले लिया जाए। साथियों, मेवाड़ सिसक रहा है, ऐसी दशा में हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए तैयार रहना पड़ेगा तथा समस्त सुखों के भोग का त्याग करना होगा। कहिए, आप सभी इसके लिए तैयार हैं? हाँ हाँ, हम इसके लिए तैयार हैं, हम इसके लिए तैयार हैं, हम इसके लिए तैयार हैं। तो साथियों, मां भवानी और भगवान एक लिंग की शपथ खाकर हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक हमारी मातृभूमि को इन मुगलों से स्वतंत्र नहीं करवा लेते हम चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक हम